दोस्तों, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ियां तलाश कर रहे हैं, उसमें भी खास तौर से जो स्पेसियस गाड़ी चाहिए और कम बजट में भी हो, तो आप ईको भी देख सकते हैं। और ईको फिलहाल में अवेलेबल है आपकी सेकंड हैंड सेगमेंट में, तो नेचुरली है प्राइस में भी आपको बेनिफिट होने वाला है। एसी के साथ आता है इसका 5 सीटर वाला मॉडल, हालांकि एक 7 सीटर भी आता है। और 7 सीटर की भी अगर आपको नीड हो तो हमारे पास 7 सीटर में भी एक डील है जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं 5 सीटर ईको एसी के साथ आती है, मोस्ट स्पेसियस गाड़ी होती है और इसमें भी काफ़ी सारे यहाँ पर आप जानते हैं स्पेस मिलता है, तो स्पेस के हिसाब से काफ़ी बेटर है। दिखाते हैं आपको सबसे पहले एक्सटीरियर, बाद में शेयर करेंगे गाड़ी कितनी चली हुई है, क्या प्राइस में है, कौन सा मॉडल है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए। और आपकी अगर किसी अन्य गाड़ी की भी नीड है सेकेंड हैंड सेगमेंट में खास तौर से, तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट में लिखते रहिए। जिस बजट में आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी को तलाश करना चाहते हैं, चाहे वो टाटा है, किया है, MG है, क्योंकि हम सभी ब्रांड की गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपके लिए लग्जरियस गाड़ियां भी शेयर की जाती हैं, चाहे BMW है, कार्निवाल है, सेल्टोस है या MG हेक्टर जैसी गाड़ियां भी आपके लिए चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसे आप वहां से जाकर देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू एक्सटीरियर से, फिर दिखाएंगे आपको इंटीरियर। कम्प्लीट वीडियो वॉच कीजिए और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम मारुति की एक ऐसी गाड़ी जो कि फैमिली बजट में आती है, मोस्ट स्पेसियस है, एंट्री लेवल पर आप मान सकते हैं, लेकिन इस बजट में अगर आप मार्केट में अन्य गाड़ियों को देखते हैं तो शायद ही किसी में इतना स्पेस मिलता हो, बल्कि मिलता ही नहीं है जिस बजट में ये गाड़ी आती है। और ये गाड़ी है मारुति की ईको, और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये आपके लिए अब सेकेंड हैंड सेगमेंट में फ़िलहाल में अवेलेबल है 5 सीटर में, जहाँ पर कि एसी वाला वेरिएंट आता है। जी हाँ, एसी वाले वेरिएंट में 2020 की ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। बेनिफिट आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सटीरियर यानी कि फ्रंट व्यू, साइड प्रोफाइल, इंटीरियर प्रोफाइल, सभी कुछ यहाँ पर देखने के बाद में आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं और अपने लिए नेचुरली परचेज भी कर सकते हैं। 2020 की ईको आपके लिए बेस्ट डील में है। टायर कंडीशन बिल्कुल ऑल न्यू, यहाँ आप निगाह डाल सकते हैं। साइड इंडिकेटर्स, ये इसके ORBMs, इसके अलावा एक लुक आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो कमर्शियल सेगमेंट में आप जानते होंगे अल्टिका के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, हालांकि माइलेज की वजह से आप जानते ही हैं मारुति की सभी गाड़ियों की ज़बरदस्त डिमांड होती है। ये 5 सीटर वाला है, लेकिन आप जानते हैं इसमें बेनिफिट भी होता है कि आपको एसी मिलता है। लोग इसे 7 सीटर में कमर्शियल में भी यूज कर लेते हैं, वो एक अलग पॉइंट हो सकता है, आपने भी देखा होगा। फिलहाल आप यहाँ निगाह डालिए अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, और उसमें भी अगर आपको बेनिफिट नज़र आता है, यानी कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही है अगर आप यहाँ पर सेकेंड हैंड सेगमेंट की गाड़ियाँ ले रहे हैं और बेनिफिट ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है दोस्तों। और यहाँ से आपको एक बैक व्यू हम करा देते हैं यहीं से दोस्तों। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप निगाह डालिए, देखिए इस मोस्ट स्पेसियस गाड़ी को। और गाड़ी तो हालांकि ऐसी है, सभी ने देखी हुई है। फिलहाल हमें देखते हैं इसकी कंडीशन और एक बार आपको पास से दिखाएंगे, बैक में जाकर भी, यानी रियर से, कि किस कंडीशन में है। 2020 का ये वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा। प्राइस भी आपको बताएंगे, कहाँ पर अवेलेबल है ये गाड़ी, एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। अब ऐसे में अगर आप तलाश कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, कोई पर्टिकुलर गाड़ी की तलाश है किसी पर्टिकुलर बजट में, तो आप कमेंट्स में हमेशा लिखते रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। और आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप में से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ एंट्री लेवल की गाड़ियाँ देखना चाहते हैं, उनके लिए पूरी सीरीज चल रही है। और लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ देखना चाहते हैं, जैसे कि सेल्टोस है, सोनेट है, कार्निवाल है, MG हेक्टर है, BMW है, मर्सिडीज है, उसके लिए भी कंप्लीट सीरीज जल्द आपके लिए आने वाली है। इसमें महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी शामिल की जाएगी, महिंद्रा की बोलेरो भी शामिल की जाएगी। यूज सेगमेंट में आपको मिलने वाली बोलेरो नियो का स्टॉक भी आया है, जो आपके लिए आगे आने वाला है। फिलहाल आप निगाह डाल लीजिए इस पर, और जो इसके यहाँ पर इंटीरियर एक्सटीरियर सेस है दोस्तों, तो ये मारुति ईको दोस्तों फिलहाल में आपके लिए मारुति ट्रू वैल्यू पर ही है, जहाँ पर ट्रस्टेबल गाड़ियां मिलती हैं, फुल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका, एक रीजन होता है जो हम आपको शेयर कर देंगे किसका कारण क्या होता है कि ट्रस्टेबल गाड़ियां आपको यहां पर मिलती हैं। देखिए, मारुति ही नहीं, बेशक कोई भी कंपनी हो, चाहे वह टोयोटा मोटर्स सेल करती है या फिर अन्य गाड़ियां मार्केट से परचेज नहीं करती है मारुति अपने ट्रू वैल्यू पर सेल करने के लिए, क्योंकि ये मारुति का काम नहीं है। जो कस्टमर यहाँ पर अपनी ओल्ड गाड़ियों को देकर एक्सचेंज में न्यू गाड़ियाँ लेते हैं, वही गाड़ियाँ यहाँ पर सेल की जाती हैं, तो ट्रस्ट में तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आनी नहीं है। बाकी आप जब
कोई भी गाड़ी परचेज करने जाते हैं, चाहे वो ट्रू वैल्यू हो, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हो, एनीथिंग जो भी हो, चाहे प्राइवेट डीलर्स हो, हमेशा गाड़ी को अच्छी वहाँ पर टेस्ट ड्राइव भी कीजिए, पर्सनल एक्सपर्ट को भी ले जाइए, इंजन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और अगर हमसे भी आप सजेशन लेना चाहते हैं पर्सनली, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी ले सकते हैं, जहाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो आप अगर कमेंट करते हैं तो आपको नेचुरली वो सुझाव भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ परचेज करते रहते हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर सुझाव देंगे। आप वहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं यूट्यूब पर, जिसपे आपको बहुत सारे सुझाव मिल जाएंगे जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ियों की तलाश में होंगे। तो ये थी आपकी गाड़ी, प्राइस शेष रह गया, जी हाँ दोस्तों प्राइस हम भूल गए यहाँ पर। तो प्राइस की बात करें तो 4.20 इसका प्राइस मांगा गया है फिलहाल में 2020 की इको का, लेकिन आप जानते ही हैं जब आप पर्सनल विजिट करेंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे, तो प्राइस निकल कर अलग ही आता है। फाइनेंस आपको 80% के आसपास यहाँ पर इको पर मिल जाएगा, अन्य गाड़ियों पर भी मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, 80-90% जो भी पॉसिबल होता है, क्योंकि ईएमआई तो आपको ही देनी है दोस्तों, चाहे आप किसी भी गाड़ी को लेते हैं। इसका एक और आपके लिए हम इको की डील लेकर आने वाले हैं, ये 5 सीटर में है, एक 7 सीटर की डील भी शेयर करेंगे, देख लीजिएगा आपके लिए कौन सी बेनिफिट वाली होने वाली है। बाकी एंट्री लेवल की ऑल्टो आपको हम शेयर करेंगे, बलेनो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, काफ़ी सारा स्टॉक है जो आपके लिए शेयर किया जाएगा। तो आप लिखिए, हमेशा अपनी चॉइस कमेंट्स में एक्टिव रहिए, हमेशा आप पूछते रहिए, केवल हम ही नहीं, आपके साथ जो अन्य सब्सक्राइबर चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी आपको सजेशन दे सकते हैं, जो न्यू गाड़ियाँ तो रखते हैं, ओल्ड गाड़ियाँ या फिर परचेज करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट होता है अगर आप एक्टिव रहते हैं चैनल पर, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। अब दोस्तों आपकी जो भी चॉइस है आप कमेंट्स में हमेशा लिखते रहिए, आपकी चॉइस बेस पर हम स्टॉक यहाँ पर हमेशा शेयर करते रहते हैं। हमारे जो फ्रेंड, हमारे मित्र यहाँ पर लिखते हैं कि सर हमें फलाना गाड़ी चाहिए, ऑल्टो चाहिए, वैगनआर चाहिए, टियागो चाहिए, नेक्सॉन चाहिए, सेल्टोस चाहिए, सोनेट चाहिए, जो भी आपकी चॉइस है लिखिए हमेशा कमेंट्स में, आपके लिए स्टॉक शेयर किया जाता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि डेली हम यहाँ पर शेयर करते हैं आपके साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो।